सीआईएसएफ थर्ड रिजर्व बटालियन की संरक्षिका द्वारा सेक्टर 2 स्थित वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों का खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। इस अवसर पर संरक्षिका ग्रुप की महिलाओं द्वारा बुजुर्गों का हालचाल भी पूछा गया। सीआईएसएफ थर्ड रिजर्व बटालियन की संरक्षिका ग्रुप की महिलाओं द्वारा क्षेत्र के बुजुर्गों अनाथों की सेवा करने का बीड़ा उठाया गया है। इसी के तहत संरक्षिका प्रेसिडेंट सेंट्रल हेडक्वार्टर भिलाई की डीजी प्रकाश, उपाध्यक्ष स्नेह पांडे अपने ग्रुप की महिलाओं के साथ सेक्टर 2 स्थित आस्था वृद्धा आश्रम में उपस्थित हुए। यहाँ डीजी प्रकाश और स्नेह पांडे ने प्रत्येक बुजुर्ग से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेडाम से संस्था के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी ली, साथ ही संस्था का मुआयना भी किया। डीजी प्रकाश और स्नेह पांडे ने बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों का सामान सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियां और मनोरंजन के लिए एलईडी टीवी भेंट किया। संरक्षिका की महिलाओं को अपने बीच पाकर बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। सभी ने संरक्षिका की महिलाओं से चर्चा की। इस अवसर पर डीजी प्रकाश और स्नेह पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संरक्षिका का जो हमारा उद्देश्य है, उसमें हम सब लोग एक दूसरे के लिए मदद करके एक दूसरे के परिवार में, सहयोग में, कॉलोनी में, बाहर सोसाइटी में जितनी हम मदद कर सकते हैं, हमारा ये नेक्स्ट स्टेप हो गया है कि एनजीओज में हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कहीं भी कोई ज़रूरत होगी तो हम पैरामिलिट्री, ऐसे पैरामिलिट्री हमारी देश की सेवा के साथ साथ सोसाइटी की भी सेवा अब हम करेंगे, ये हमारा भी निर्णय। आने का मकसद कि इन लोगों को हम लोग सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी इंसान इन लोगों को देखें। एक सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा, आपका, सभी का है। हर एक इंसान का ये काम बनता है कि जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको लोग नहीं पूछ रहे हैं, घर वाले जिनको नहीं रख रहे हैं, निकाल दिए हैं, तो बिल्कुल ये इंसानियत के तौर पे ये हम लोगों को करना चाहिए। सारे कुछ किए जा रहे हैं और जैसा जो होता है उसमें हम लोग आप बिल्कुल आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें करते हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है वो सारी चीज़ें। बहरहाल संरक्षिका की महिलाओं के बुजुर्गों से की गई मुलाकात सराहनीय रही। संरक्षिका ग्रुप ने भविष्य में भी हर संभव मदद का आश्वासन बुजुर्गों को दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।